अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 44 से 46 इंच का प्लाजो, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर भी बहुत वायरल है। कम घेर का प्लाजो, इसमें ट्राउज़र भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कम छोटी मोहरी का प्लाजो बनाया है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये 2 मीटर फैब्रिक और इसको मैंने 4 फोल्ड में इस तरह बिछा लिया है। खुली हुई साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। तो यहाँ हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। ये हमने इलास्टिक के फोल्डिंग के लिए कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो लेंथ है वो 37 इंच हमें रेडी चाहिए, तो हमारे पास ये इतना ही फैब्रिक है। तो हम यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे और मोरी में हम अलग से कपड़ा फोल्ड कर देंगे जो इसी में से बचेगा। तो यहाँ हमारे ये 2 नाप लग गए हैं। बहुत ही बेसिक सा है ये, लेकिन इसको हमने अच्छे से डिज़ाइन करके बनाया है। तो यहाँ हम 44 के लिए इसको ले रहे हैं, तो उसका 14 भाग करेंगे, 4th पार्ट, तो हो गया हमारा 11 इंच। हमने उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करके 14 इंच पे मार्क कर लिया। सेम आप यहाँ पर भी 14 इंच पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लूजिंग 5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारा प्लाजो फट जाता है या निकल जाता है मियानी पे से, तो यहाँ पे इसलिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। या 44 और 46 के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आपका प्लाजो उठने बैठने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप फिटिंग का चाहते हैं तो यहाँ पर भी 3 इंच लूजिंग ले लें। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे मोहरी के लिए निशान। तो 9 इंच पे मुझे इसकी मोहरी रेडी चाहिए, तो मैंने एक 9 इंच पर निशान लगा लिया और दूसरा 10 इंच पर। तो यहाँ हमारे इस तरह निशान लग गए हैं। अब इस निशान को यहाँ मिला देंगे। तो हम विदाउट स्केल बस फ्री हैंड से इसको इस तरह शेप ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा आपको शलवार की तरह ड्रॉ नहीं करना है, बस इस तरह इसको थोड़ा सा, और ज़्यादा यहाँ से भी आपको रुमाली पे से मियानी पे से गहराई नहीं देनी है, जिससे आपको प्लाजो ख़राब हो जाता है, खींचने लगता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक कटिंग का निशान लगा लिया है। ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। और एक निशान हम यहाँ पर मियानी के लिए लगा लेंगे। तो यहाँ मियानी के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ इसकी कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं 8 इंच पे मियानी लगाऊंगी। 8 से 9 इंच यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको नॉचेस लगा दिया है और यहाँ पे से मैं इसको अलग कर लूँगी। दोनों फ्रंट और बैक के लिए अलग हो जाएंगे। बचा हुआ ये फैब्रिक है, इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इसमें से हम मियानी निकाल लेंगे अपनी। तो ये हमारी यहाँ पे मियानी निकल जाएगी। और इसी बचे हुए कपड़े में से हम इसके मोरी में फोल्ड के लिए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले इसको स्टिच करेंगे सबसे पहले, और दोनों तरफ इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमने सिलाई लगा ली है और ये कुछ इस तरह का हो गया है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे बड़े साइज़ के लिए, तो आपका बहुत ही कम्फर्टेबल ये प्लाजो बनेगा। तो यहाँ पर हम मियानी लगा लेंगे। तो नॉर्मली जिस तरह मियानी लगाई जाती है, हमने मियानी लगा ली है। अब हम इसका यहाँ पे नेफा फोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसका नेफा फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मोरी में पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमने पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ हमने इसकी मोहरी को रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर लेस। तो बहुत ही प्यारी सी हमने कटवर्क वाली लेस ली है। तो यहाँ हम इसको इस तरह लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लेस लगा ली है। अब हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रीन वाली लेस ली है, सेम कलर की, मैचिंग की प्लाजो के।
और इसको हम यहाँ ऊपर से इस तरह लगा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ हमारी लेस लग चुकी है। तो ये देखिए मोहरी इसकी इतनी हमारी आ रही है, कम मोहरी का, छोटी मोहरी का ये प्लाजो होगा। अगर आप प्लाजो पैंट बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग 14 इंच की मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ इसमें, और सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर हम इलास्टिक को डाल लेंगे। तो यहाँ हमने इलास्टिक डाल ली है, अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये प्लाजो रेडी हो गया है। तो यहाँ हमारे ब्यूटीफुल से बॉर्डर के साथ प्लाजो रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।